डिब्रूगढ़ जैसा ही हालत है यहाँ भी। गुड इवनिंग गाइस, होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। अभी बज चुके हैं शाम के 6:30 और मैंने अभी अभी ट्यूशन जो है छुट्टी दिया है। और कल सुबह जो है मैं जा रहा हूँ कोलकाता। उसके बाद बहुत सारे जगह ऐसे डेस्टिनेशन में घूमने जाऊँगा जहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा अच्छे अच्छे कंटेंट। सो मैंने यहाँ पे जो है बैग अपना पैक कर लिया है और बस थोड़ा सा पैकिंग बाकी है और पूजा यहाँ पे मुझे हेल्प कर रही है पैकिंग करने के लिए। तो मिलते हैं फिर सीधे कोलकाता में। तो The next day. गुड मॉर्निंग गाइस, और अभी बज चुके हैं सुबह के 4:30। आप देख सकते हो 4:30 होने वाला है, हुआ भी नहीं है। और मैं उठ चुका था 4 बजे क्योंकि मुझे आज जाना है कोलकाता। और फ्लाइट में ये चाय और ये ब्रेड, चाय का 150 रुपये और ये ब्रेड का 150, मतलब 300 रुपये का ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ मैं अभी। तो यही ब्रेकफास्ट करके मैं सीधे कोलकाता पहुँचाऊँगा। और आप लोग वीडियो पर बने रहो, देखो मेरा कोलकाता का जर्नी, तो देखिए मैं कितना बजे पहुँचता हूँ। अभी 4:30 हुआ है, मेरे को मेरा जो फ्लाइट है वो है 11 बजे और मुझे 9 बजे वहाँ पहुँचना है। सो यहाँ से जाने के लिए वहाँ तक 3 घंटा चाहिए डिब्रूगढ़, तो इसलिए मैं अभी 6 बजे यहाँ से निकल जाऊँगा, तो 7:08:09 पहुँचाऊँगा। तो गाइस अभी सुबह के बज चुके हैं 5:30 और मैं अभी निकल रहा हूँ यहाँ से, घर से बैग रास्ते में रख दिया है। तो चलो बने रहो आप लोग वीडियो पर और सीधे कोलकाता तक वीडियो आज का पूरा जरूर देखना। और दोस्तों यहाँ मेरा बैग पैक रेडी है, तो अभी मैं वेट कर रहा हूँ ताकि बस जो है जल्दी आ जाए। 5:30 का एक बस चला गया है, तो 6 AM का जो है बस के लिए वेट कर रहा हूँ और फाइनली एक बस मिला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अभी। और दोस्तों यहाँ पे ना हैरान करने वाली की बात है कि तिनसुकिया टाउन में ना देखिए इतना ज़्यादा पानी भर गया था ना कि मतलब मैं सोच भी नहीं सकता था कि इतना पानी भर जाएगा वहाँ पे। मैंने कभी नहीं देखा कि तिनसुकिया टाउन में इतना पानी भर गया। और ये है तिनसुकिया ACC का हालत। सो गाइस मेरा पूरा लेट हो गया यहाँ पे एक्चुअली, और बारिश आप देख सकते हो कितना बारिश आ रहा है और ऑटो में भी लाइन लगा हुआ है, तो थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा उसके बाद निकलेंगे यहाँ से। और दोस्तों यहाँ पे ना मैं डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट में स्कैम होने से बच गया, क्योंकि मेरे साथ स्कैम होने वाला था। क्योंकि ये लोग ना अभी जहाँ जिस ऑटो में मैं बैठा हूँ वहाँ पे मुझे 300 रुपये मांग रहा था। फिर मैं थोड़ी देर वेट करके दूसरे ऑटो को मैंने पूछा तो वो मेरे को 100 रुपीज़, और तीसरे वाले ऑटो को पूछा तो वो मुझे 50 रुपीज़ में लेके आया। तो सोचो इतना बड़ा स्कैम से बच गया। आप लोग भी बचना कभी अगर ऐसे जाते हो ना तो एक ही ऑटो में मत पूछना रेट। सो दोस्तों भीगते भागते जो है पहुँच गया मैं डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट, ये है एयरपोर्ट। तो चलो हम लोग पहले चेक इन कर लेते हैं, उसके बाद बोर्डिंग पास ले लेंगे सिक्योरिटी चेकिंग करने के बाद। दोस्तों बोर्डिंग पास मिल गया है, चेकिंग भी हो चुका है और ये है मेरा बोर्डिंग पास। तो चलो अभी मिलते हैं फ्लाइट के अंदर। हमारा बोर्डिंग पास हो गया है,
और हम जा रहे हैं फ्लाइट के अंदर। सीटों के ऊपर वाले ओवरहेड बिन्स और छोटे बैग्स को सामने वाली कुर्सी। तो मेरा है 28 और आपातकालीन निकास वाले रो में बैठे यात्री। फाइनली विंडो सीट। फाइनली जो है कोलकाता पहुंच गए हैं। तो यहाँ पे लगेज सब ले रहे हैं अपना। मेरा जो लगेज है वो 8 नंबर लगे बेल्ट में है, तो बहुत दूर में है। तो आप देख सकते हो यहाँ से मैं एग्जिट हुआ था। एग्जिट होके लेफ्ट आना है, लेफ्ट आके बाहर निकलना है यहाँ से। बाहर निकलने के बाद आपको यहाँ पे होटल मिल जाएगा सामने, वॉकिंग डिस्टेंस में ही है। मंदिर मस्जिद गली है, उस गली में जाना है तो वहाँ पे आपको होटल मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो पर बने रहो, मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर के बाद। गाइस यहाँ पे मेरा टैक्सी आ गया है। ये 200 रुपये ज़्यादा मांग रहे हैं, मैं 200 दे रहा हूँ। लेकिन ये आज सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सो गाइस मुझे टैक्सी मिल गया है और अभी मैं जा रहा हूँ थोड़ा मंदिर मस्जिद गली में, तो वहाँ पे रूम लूँगा। रूम लेने के बाद आप लोगों को बाकी का दिखाता हूँ, कहाँ जा रहा हूँ क्या कर रहा हूँ। एयरपोर्ट के सामने ही मैंने मतलब होटल लेने का सोच रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे भी बारिश बहुत ज़्यादा आया था। तो हालत देखिए, हमारे डिब्रूगढ़ जैसा ही हालत है यहाँ भी। सो गाइस मैंने ये रूम ले लिया है, आप देख सकते हो। तो एसी है, विंडो एसी, उसके बाद क्या बोलते हैं, विंडो एसी बोलते हैं ना इसको। और इतना बड़ा नहीं है और इतना छोटा भी नहीं है। उसके बाद जो है थोड़ी देर के बाद ना मैं यहाँ से इस रूम से दूसरे रूम में शिफ्ट हो जाऊँगा, रास्ते किनार वाला। तो वो मैंने रिक्वेस्ट किया है, वो दे देंगे। और इस रूम का मुझे पड़ा है 1000। हम बोल तो ज़्यादा रहते हैं लेकिन मैंने कम कर दिया है। तो 3 दिन रुकना है, तो थोड़ा सा फ्रेश होता हूँ। और आज के इस वीडियो को भी यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और कुछ यहाँ के बारे में कुछ क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो। और एक जो होटल के बारे में बताऊंगा मैं आपको, एयरपोर्ट के सामने का जो होटल है ना उसके बारे में भी एक वीडियो बना दूंगा। यहाँ पे अभी फ़िलहाल पूरे रास्ते में पानी आपने देखा था ना। तो चलो आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।
और हाँ अभी मैं जा रहा हूँ विक्टोरिया पैलेस, तो विक्टोरिया पैलेस का जो वीडियो है वो आपको नेक्स्ट डे मतलब कल मिलने वाला है। तो अगर आप लोग लेट में ये वीडियो देख रहे हो तो अब तक तो आ चुका है, जाके देख लीजिए, काफ़ी अच्छा होने वाला है।